हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो हे एवरीवन, राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल सालू कटारिया व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? तो मैं वेलकम कर रही हूँ आज आपका इवनिंग में, क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अब भी नहीं है बट पर पहले से थोड़ा ठीक है। तो आज है 15 अगस्त एंड पतंग उड़ाई जा रही है, तो मैं इसीलिए, इसके पापा ने बोला कि आज अतिथि ऊपर, थोड़ा सा हवा भी लग जाएगी, तो मैं इसलिए ऊपर आ गई हूँ। तो अभी अच्छा लग रहा है, मतलब मौसम देख के, देखे कितने काले बादल हो रहे हैं और शायद बारिश भी आ सकती है, क्योंकि मैं दिखाती हूँ आपको कैसा वेदर हो रहा है। तो मैं पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो गाइस देखिए, आज हर जगह पे झंडे दिख रहे हैं आपको घरों पे, क्या ना, मोदी जी का वो एजेंडा, हर घर तिरंगा आज दिख रहा है। तो कितना अच्छा लग रहा है, पतंग से ज़्यादा ये चीज़ अच्छी लग रही है, जो काइट्स वगैरह उड़ रही है ना, उनसे ज़्यादा ये अच्छे लग रहे हैं तिरंगे, हमारे देश के फ्लैग। और ये समीक्ष को देखिए, समीक्ष को देखो, ये देखो हर जगह फ्लैग है। ये देखिए, समीक्ष की पतंग उड़ रही है, यहाँ पर समीक्ष उड़ा रहा है पतंग, ये देखो। देखिए इसकी पतंग कैसे उड़ रही है, एक जगह छोड़ रखी है और खड़ा हुआ है पकड़ के, ये देखो कैसे उड़ा रहा है बोलो बोलो गाइस, मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, बोलो हेलो, हेलो कर दो, इधर देख के, इधर देख के बोलो। तो ये देखिए बादल कैसे हो रहे हैं, देखिए ये देखिए, और इधर देखिए बारिश आएगी। और ये समीक्ष के पापा पतंग उड़ा रहे हैं, समीक्ष को ही दे रहा है बार बार उड़ा के, ये यहाँ खड़ा हुआ है। तो गाइज आपको दिख रहा है, ये देखो, ये हल्का हल्का इंद्रधनुष निकला हुआ है, रैम्बो, ये देखो दूर से दिखाती हूँ, दिख रहा है ना कितना अच्छा लग रहा है। मैं अभी नीचे काम कर रही थी, समीक्ष के पापा ने बुलाया, देखो कितना अच्छा लग रहा है। और डार्क होएगा भी, तो गाइस देखिए अभी ये पूरा ही निकलेगा, जैसे जैसे अगर बादल साफ हो जाएंगे ना तो दिख जाएगा रेनबो, अभी तो दिख रहा है कहाँ जा रही है, तो दिख भी रहा है अभी, ये देखिए कितना क्लियर दिख रहा है रेनबो, अब बहुत कम मिलता है देखने को। देखो ये बादल कैसे चल रहा है देखो देखो, नहीं
इधर से क्लियर दिखता जा रहा है। बुला ले समीक्ष पुआ को। आपसे अब जैसा कि आपने देखा, आपको थोड़ा सा मैंने वो भी दिखाया जो पटाखे वगैरह जले, तो बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसलिए आपको आप लोगों को भी दिखा दिया। मैंने दिखाती हूँ आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो जी बस खाना वाना तो मैंने आप लोगों को कुछ नहीं दिखाया क्योंकि बहुत जल्दी लगी थी। मैं जो छोटे वाला बेटा है वो रोने लग गया था, तो बस इसीलिए कुछ दिखा नहीं पाई। खाने में वैसे बनाया था दाल, अरहर की दाल होती है ना वो, और रोटी बनाई थी बस। तो काम सब हो चुका है, टाइम अभी हो रहा है 8:30 का हो रहा है। आज बहुत जल्दी काम हो गया, खाना वाना सबने खा लिया। तो जी बस अब लेटेंगे। तो यहीं पर बस मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का मेरा पूरा ब्लॉग। अच्छा लगा तो यार लाइक कर देना है ना। तो जी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, ठीक है, अपना ध्यान रखिए, गुड नाइट।